एक माता जी हैं जिनका नाम है शकुंतला बाई जी, जो आपकी यहाँ श्री गांधी जी के क्षेत्र से पोरबंदर से हैं। उन्होंने लिखा है जी, आजकल के बच्चे माँ बाप के विरुद्ध जाकर विवाह क्यों करते हैं? देखिए, माँ बाप के विरुद्ध जाने का अर्थ है कि परिवार में संस्कार का अभाव। दूसरा कारण है कि अभी हमने शायद बार बार कहा है कि बेटा हो या बेटी, गलत मार्ग का चयन तब करता है कि जब हमारे अब यहाँ राहु का कुसंग, राहु के साथ में चंद्रमा का संयोग जिस साधक के साथ होगा, जिस है ना व्यक्ति के साथ होगा, वह लड़का या लड़की वह गलत निर्णय ले लेता है, क्योंकि वह कुबुद्धि के साथ में वह मनमुखी होता है, इसीलिए निर्णय ले लेता है। दूसरा कारण ये है। आप तीसरा कारण है कि माँ बाप को समय के साथ चलना चाहिए, जो अब समय चल रहा है या आने वाला समय है। देखो, पहले संभव कब था कि हमारे यहाँ 11 से 13 वर्ष में बेटियों का विवाह हो जाता था, 15 तक होता था, 18 तक होता था, बच्चे घर में ही रहते थे, घर में ही पढ़ते थे, तो वो बाह्य जो संग था उससे बचे रहते थे। अब क्या है कि बच्चा 8th क्लास से कहाँ रह रहा है, हॉस्टल में रह रहा है, और वह 25 या 30 साल तक बाहर रह रहा है, तो माता पिता के संस्कार का प्रभाव उन पर नहीं पड़ा, परिवार का प्रभाव उस पर नहीं पड़ा, उन पर प्रभाव वो पड़ा है जो उन्होंने देखा है या सुना है या वो देख रहे हैं। जो आधुनिकता जो हमारे जीवन में आई, यह बच्चों को संस्कार से आधुनिकता की ओर ले गया और आज की जरूरतों के हिसाब से ले गया, इसीलिए वो बच्चे अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारा कहना माने तो प्रयास करिए, समय रहते ही 18 से 22 के मध्य में ही बच्चों का विवाह कर देना और करा लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए शंका समाधान अपने विश्राम दिवस की ओर बढ़ते हुए आगे आप सभी को अवगत करा दिया जाता है पूज्य महाराज जी के सानिध्य में श्री नंद यशोदा आश्रम में श्री पूज्य महाराज जी की कृपा छत्र छाया के नीचे अन्य क्षेत्र चल रहा है। जिस अन्य क्षेत्र के लिए कोई रुकावट नहीं, कोई व्यवधान नहीं, किसी के लिए पाबंदी नहीं, कोई भी संत हैं, विद्यार्थी हैं तथा कोई भी तीर्थयात्री में आए हुए कोई श्रद्धालु जन है, भक्त जन है, जिनके पास भोजन के लिए तथा रहने के लिए पैसे का अभाव है, तथा जो विद्यार्थी घर से लड़कर वृंदावन भाग आया है, ऐसी सूचना मिली है। कल आश्रय पंडाल में 2 विद्यार्थी आए थे जो घर से लड़कर भाग आए हैं, उनको श्री गुरुदेव भगवान द्वारा नंद यशोदा आश्रय में तथा भागवत कृपा धाम में निवास दिया गया है। उनके माता पिता जी को बुलाया गया है, वो प्रातः कालीन बेला में श्री आश्रय में उपस्थित होंगे और अपने बच्चों से वार्तालाप करेंगे। तो ऐसे जो विद्यार्थी भाग आए हुए हैं, जिनके पास ना तो रहने का है ना तो खाने का है, ऐसे विद्यार्थियों से निवेदन है, कृपया माँ बाप से मिलकर आए तथा आए तो नंद यशोदा आश्रय आपका अभिवादन करता है, आपके रहने के, खाने की तथा भोजन की संपूर्ण व्यवस्था मानव जागृति संस्था द्वारा देखी जाएगी।